हेलो गुड इवनिंग। आगे हम लोग जो शुरू करने वाले थे ये उसके बाद का लेक्चर था, दैट इज गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स को हम लोग ओरिजिनल शब्द से देख रहे थे। क्या देख रहे थे कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इससे ओरिजिनेट कौन किया था? ईआर। इससे ओरिजिनेट किया ईआर, ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इससे ओरिजिनेट किया ईआर। और ईआर यदि कहीं पर सेपरेट हो गया, ईआर यदि कहीं पर सेपरेट हो गया, ठीक है, ये बनाया एक स्पेशल स्ट्रक्चर, दैट इज इसको बनाने का एकदम सिंपल तरीका है, एकदम चांद जैसा बनाते थे। ठीक है, मिटा दो यहां से, बीच में भी एक जगह मिटा दो, कहीं पर इसको इंटरकनेक्ट कर दीजिए, ये इंटरकनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और इसको इस तरह से गोल गोल कर दो, गोल टेढ़ा, गोल टेढ़ा, सबको आपस में इंटरकनेक्टेड कर दीजिए, ये गोल ये टेढ़ा, यहां तक हो गया है। और उसके बाद बैक पर इधर वेसिकल्स बीच में दे दीजिए, ट्यूब्यूल्स, दैट इज गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। ये स्ट्रक्चर जो हो गया है ये गॉल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट अब्सॉर्ब बाय ये ऑरिजिनेट कहां से किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी से डिटैच होकर के ये ओरिजिनेट किया होगा। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट अब्सॉर्ब बाय ऑब्जर्व बाय कैमिलो गॉल्गी, कैमिलो गॉल्गी, और कहां अब्सॉर्ब था, कहां था? इन नर्व सेल ऑफ आउल, उल्लू से ही कैमिलो गॉल्गी फर्स्ट अब्सॉर्ब बाय कैमिलो गॉल्गी इन द नर्व सेल ऑफ आउल। ठीक है, इट इज इसका अदर्स नेम ऑफ, उसके बाद देखिए तो अदर्स नेम ऑफ गॉल्गी बॉडी, ठीक है, पहले क्या है, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स और आइडियोसोम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडियोसोम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइपोकॉन्ड्रिया, तीन नाम देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइपोकॉन्ड्रिया, और बहुत सारा नाम है, डाल्टन्स पार्टिकल या डाल्टन्स ग्रैन्यूल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डाल्टन्स ग्रैन्यूल, डाल्टन्स पार्टिकल, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो नोन एज डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, ये जो है, ठीक है, आदर्श नेम इसका ये हो गया, ये इसका पहला हो गया, जल्दी से लिखो तो। इसके बाद इसको जल्दी से लिखिए,
क्लियर है। चलिए कंपोनेंट्स ऑफ, कंपोनेंट्स ऑफ से कंपोनेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज सिस्टर या सिस्टर प्लूरल में बोलते हैं सिस्टर्न, ये क्या हो जाएगा दैट इज ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल्स के बाद ये क्या हो जाएगा बैक वॉल्स और ये हो जाएगा वेसिकल्स। There are four components. There are four components. One, second is tubule, third is vacuole, and fourth are vesicles. Lekin, what is different? Can you tell me the difference between cistern of, यहां पर देखो ये लिख चुके हो ना, हाँ ये देखो एक एक तो ये है इसका सिस्टर्न, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्न है, ये क्या है आपस में दे आर पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल नहीं है और इसका फेस कैसा हो जाएगा अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एंड टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, इसको फेसिंग देखो ऐसे कर रहा हूं, ये सिर्फ फेस टेढ़ा कर रहा है, ठीक है, तो फेस कैसा हो जाएगा इसका अवे फ्रॉम, फेस इसका देख लो तो ये न्यूक्लियस से अवे जा रहा है, दो चीज। दूसरा इसका सिस्टर्न जो है ये कर्व होता है, इसका सिस्टर्न जो है सिस्टर्न ऑफ इज कर्व, दूसरा अवे फ्रॉम न्यूक्लियस और ये जो फेस है इसको और ये फेस है इसको हम लोग बोलते हैं सिस, और नहीं इसको हम लोग बोलते हैं सिस फेस और इसको हम लोग बोलते हैं तो गड्ढा वाला ट्रांस फेस। सिस्टर्न ऑफ गॉल्जी कॉम्प्लेक्स आर नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल, एक नॉट पैरेलल, सेकेंड इट इज कर्व, और कर्व कैसा है अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, दूसरा इन एनिमल्स, इन एनिमल सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड आर इंटरकनेक्टेड बट इन प्लांट दे आर नॉट कनेक्टेड, एंड एज इस तरह से होगा एंड कॉल्ड एज डिप्टियोसोम,
चलिए लिखिए, चलो मिटाते हैं इसको। अब देखो जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जहां पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, देन इज एन एरिया अराउंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ एक एरिया है, ठीक है, एक जोन है, और इस जोन में क्या है कि नो अदर सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन दिस एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म। In this area of cytoplasm, no cell organelles are present, and this is called zone of exclusion. Zone of exclusion. ये मतलब क्या हुआ कि जहां पर Golgi complex होता है वहां पर cytoplasm का there is an area around Golgi complex. In this area around Golgi complex के चारों तरफ एक एरिया है, और जिस एरिया में कोई सा भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं, इट मीन्स ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस एरिया, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर एक्सक्लूडेड from this area, or this man, or if all the cell organelles are excluded, the complete zone is called zone of exclusion. अब इसका मतलब क्या हुआ? The area of cytoplasm near Golgi complex GC, Golgi complex, where no other cell organelles are present. This is called zone of exclusion. Functions of functions to classes may deal with functions, the important function of Golgi complex लिख लो, दैट इज फर्स्ट सेल सेक्रेशन, सेल सेक्रेशन मीन्स देखो ये सेल है, ऐसे नहीं सकते
ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस हो और ये स्ट्रक्चर गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, ये स्ट्रक्चर गॉल्गी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। पहले क्या होगा, देखो ये ओरिजिनेट कहां से किया है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मान लिया कुछ इस पर राइबोसोम था, कुछ प्रोटीन बनाया। ये प्रोटीन पहले देखो यहां से होगा कि एक वेसिकल्स रिलीज होगा और ये वेसिकल्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ ऐसे फ्यूज कर जाएगा और जो भी इसमें प्रोडक्ट है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को देगा। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स लास्ट में देखो तो एक वेसिकल्स बनाएगा और इसमें यही वाला प्रोडक्ट होगा, यानी प्रोडक्ट कहां से चला, यहां से बना राइबोसोम से, ये हो गया सेकेंड स्टेप इसका, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर हो गया थर्ड स्टेप इसका, ये हो गया इसका फोर्थ स्टेप और ये जाकर के अब जाकर के यहां पर फ्यूज कर जाएगा और ये जो मटेरियल था इसमें अंदर, यहां पर कुछ मटेरियल था, दिस मटेरियल विल कम आउट, यानी यहां जो मटेरियल है वो वही वाला मटेरियल है थोड़ा सा चेंजिंग के साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको दिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जोन चला गया इसका गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, ये बना दिया वेसिकल्स और वेसिकल्स में देखो प्रोडक्ट वही चल रहा है जो ये दिया है, यही प्रोडक्ट बाहर निकल गया तो सेल इसको क्या कर दिया, सेक्रेट कर दिया। ये क्या कर दिया, सेक्रेटेड बाय सेल, ठीक है। इस इट मींस गॉल्गी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन सेल सेक्रेशन। इस बीच में ये क्या करेगा, बीच में इसको ये मॉडिफाई करेगा, बीच में प्रोडक्ट को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, उसके बाद इसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग और उसके बाद इसका करेगा पैकेजिंग, सब कुछ करके इसको बाहर निकाल दें। दिस इज वन पास, उसके बाद यहां पर ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल से ट्रांसपोर्ट आउट, दिस इज कॉल्ड सेल सेपरेशन। अब सेल सेपरेशन उस समय किसी को डाउट होगा हम कोई रोक करके पूछ लेंगे, दिस इज कॉल्ड दो फंक्शन, तीसरा फंक्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, इसको समझ ही गए,
चौथा होगा फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय डी डुबे, डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट था डी डुबे। इट इज क्या हो जाएगा, सिंगल membrane bound bag like structure which contains hydrolytic plus acidic, hydrolytic or acidic enzymes। जो enzymes होंगे इसमें उसका नेचर क्या हो जाएगा, एक तो hydrolytic है और दूसरा कैसा है, acidic। It is lysosome formed due to function of ER and GC, Golgi complex, endoplasmic reticulum and Golgi complex। दूसरा देखिए बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, इसे यार बैग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं कुछ, इसके अंदर दिखा दिया हाइड्रोलाइटिक बैग लाइक स्ट्रक्चर और हाइड्रो लिपिड एंजाइम्स। अब लाइसोसोम से ये तो हो गया, ठीक है, लाइसोसोम से पूछेगा क्या, एक तो देखोगे पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल, लाइसोसोम आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। लाइसोसोम is polymorphic। polymorphic का मतलब क्या हो गया, poly means क्या हो जाता है, many, और morpho means होता है, morpho means होता है
forms. They are present in multiple forms. They are present in multiple form therefore they are called polymorphic organisms therefore they are called polymorphic ab dekho societal isme jo question hai puchta hai लाइसोसोम का फंक्शन में देखोगे तीन फंक्शन होता है मेन फंक्शन ऑफ main function of lysosome main function iska hum log kya bol doge main function of lysosome lysosome are involved in lysosome किसमें involved हो जाएगा ये involved होता है यदि कोई cell organelle का death हो गया या complete cell का death हो गया उसको dispose करने involved in lysosome digestion of extracellular material that enters into the cell पहला काम करेगा ये काम कैसे करता है इसको मतलब जैसे ये सेल है कोई मटेरियल इसमें जैसे ये फेगोसाइटोसिस होता है जैसे ये फेगोसाइटोसिस हुआ फेगोसाइटोसिस ये अभी पूछना मत क्या होता है फेगोसाइटोसिस इस मटेरियल का हुआ अब ये क्या हो जाएगा ये वैक्यूल का फॉर्मेशन कर और ये चला गया और यहां पर अब लाइसोसोम है ये है इसको इसे ये देखो ये हो गया फूड वैक्यूल और ये हो गया लाइसोसोम दोनों क्या कर जाएगा फ्यूज कर जाएगा दोनों क्या कर जाएगा फ्यूज कर जाएगा और एक बॉडी बनाएगा जिसके ये अंदर ये मटेरियल है एंड दैट इज कॉल्ड फैगोसोम ये लाइसोसोम जो है यहां पर ये लाइसोसोम ही कहलाएगा यहां पर
फैगोसोम और फैगोसोम पिटी और कॉल प्राइमरी लाइसोसोम, ये दोनों मिल करके बनाया हेटेरोफैगोसोम। हेटेरो मींस होता है डिफरेंट, फैगोसोम। अब क्या करेगा, इसका डाइजेस्ट कर देगा और जो बच जाएगा, यहां पर जाएगा वेसिकल्स, इसको रिमूव कर देगा। मतलब ये रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड पार्ट, ये फैगोसाइटोसिस होता है पूरा। ये मारिया फूड है, ये वैक्यूल के अंदर चला गया, ये बन गया फूड वैक्यूल। इसके साथ फैगोसोम, या इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ये दोनों आपस में क्या कर गया, फ्यूज कर गया, क्योंकि एंजाइम इसके पास है, एंजाइम इसके पास है और फूड इसके पास है। तो यहां पर फूड अब प्लस एंजाइम दोनों एक जगह पर आ गया, इसका डाइजेशन हो गया और बचे हुए चीज का रिमूवल। एक काम तो ये, सेकेंड एक काम तो ये हो गया। सेकेंड डिस्पोजल ऑफ डेड सेल ऑर्गेनल्स डिस्पोजल ऑफ डेड सेल ऑर्गेनल्स यदि कोई, ये तो बाहर से लाया था उसको डाइजेशन कर दिया, ये क्या हो गया अपना भी सेल। डिस्पोजल ऑफ डेड सेल ऑर्गेनल ऑफ देयर ओन सेल, जिस सेल में ये है। अब इस डायग्राम को तुम लोग पहला वाला ड्रॉ कर लिया होगा, दूसरा वाला करते हैं, इसको छोड़ दो, ये फूड वैक्यूल छोड़ दो। यहां पर समझ लो कि एक माइटोकॉन्ड्रिया मर गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को भी यही लाइसोसोम इस दुर्गति को पहुंचाएगा, ये डेड माइटोकॉन्ड्रिया, ये डेड माइटोकॉन्ड्रिया, इसको भी डिस्पोज कौन करेगा, कोई डेड हो गया, डेड बॉडी है तो सेल अपने पास थोड़ी रखेगा, पता चलेगा कि पूरा का पूरा सेल ही बर्बाद हो गया, तो ऐसा बर्बाद थोड़ी होने देगा। ये लोग क्या करेगा, डेड, और ये डेड माइटोकॉन्ड्रिया है या डेड दूसरा भी ऑर्गेनाइज हो सकता है, ये डेड माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको क्या करना है, रिमूव करना, डिस्पोज करना, ये भी कौन करेगा। तो यहां पर डिस्पोजर मतलब सबको डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो फाइनली हम लोग देखते हैं तीन चीज, देखो तो इसको मिटाते हैं, ऑटोफाजी एंड लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत आराम से देखो, ये देखो, ये जो डाइजेशन करता है दो तीन तरह का चीज करता है। जब ऑटोफैजी बोलते हैं या फाजी, एक चीज, दूसरा है ऑटोलाइसिस,
क्राइमोफैल, क्राइमोफैल ये सारा का सारा किसका है? माइक्रोफोन लाइसोफोन। इसमें क्या करेगा कि डिस्पोजल ऑफ डेड सेल ऑर्गेनल्स दिस इज कॉल्ड ऑटोफैजी। ऑटोलाइसिस क्या होता है? डिस्पोजल ऑफ, जिससे इसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है, देखो यहां लाइसोसोम और ये सेल ही डेड हो गया। डिस्पोजल ऑफ होल डेड सेल अब इसको देखो ये क्या करेगा। हर बार में हम लोग क्या देखे थे, ये पार्टिकल है और ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या करता था, इसको अपने अंदर लेकर के और इसके अंदर डाइजेशन वाला तोड़फोड़ का प्रोसेस होता था, ठीक है। लेकिन अब तो ये सेल है और ये लाइसोसोम है। ये क्या है? ये है, इसको लिख लियो ना, ये है डेड सेल, ये है डेड सेल और ये है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या करेगा? लाइसोसोम विल ब्रस्ट, लाइसोसोम विल ब्रस्ट क्राइनोफाजी को थोड़ा सा दूर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं क्राइनोफाजी, क्राइनोफाजी इसको देखो, लाइसोसोम विल ब्रस्ट टू डिस्पोज the dead cell in which they are present, ठीक है। और इस के कारण इसको क्या कहते हैं, देयरफॉर लाइसोसोम इज कॉल्ड सोसाइडल डेथ। इसके पास इसको लिखोगे, वहां खत्म होगा, वहां के बाद यहां से लिखोगे और क्वेश्चन होगा व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सोसाइटल डेथ। क्वेश्चन होगा व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। अब देखो ऑटोलाइसिस, आइए ये क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म क्या होगा? ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस मतलब खुद को उड़ा लेना, खुद को लिसिस कर देना, खुद का जिसके बॉडी में है। जैसे सुसाइडल बॉम्बर देखता है, बॉम्ब फूटा, अपने खुद भी मर गया। अब यहां पर क्या था कि हर जगह हम लोग देखते थे लाइसोसोम का काम था कि खुद को इनसाइड में ले जाना, ये फूड है और इसको कहां ले जाएगा, टेकन इनसाइड, टेकन इनसाइड, इनसाइड बट मैं ले जाके करता था। लेकिन जिस सेल, ये सेल ही डिस्पोजल ऑफ होल डेड सेल, अब ये डेड सेल है और
लाइसोसोम किसी भी तरह से अपने सेल को अपने अंदर सेल लाइसोसोम कैसा भी होगा तो अपने सेल से तो छोटा ही होगा ना, किसी भी हालत में अपने सेल को वो इसके अंदर तो नहीं ला सकता। अब नहीं ला सकता तो क्या करेगा, ये खुद को ब्रश करेगा और डाइजेस्टिव एंजाइम विल ब्रश टू रिलीज, यहां पर एक लाइन लिख लोगे, रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम, रिलीज इट्स एंजाइम्स, अपने एंजाइम टू डिस्पोज द डेड सेल इन विच दे आर प्रेजेंट। अब ये अपने आप को उड़ाया और उड़ा करके क्या किया, अब पूरे में एंजाइम जहर फैल गया और ये सेल ही डिस्पोज हो गया, ये डेड सेल जो है आगे जाकर डिस्पोज हो गया। दिस इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस एंड ड्यू टू द ऑटोलाइसिस एक्टिविटी लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैक ऑर्किड सेल। क्राइनोफाजी को देखो, अब देखो बहुत बार क्या होगा कि बहुत सारा जैसे हार्मोन तुमको जरूरत नहीं है और जरूरत से ज्यादा बॉडी में बन गया, अब तुम चाहते हो कि उसको उस हार्मोन से मुक्ति पाए कि मैं एक्सेस केमिकल्स फॉर इन द बॉडी दे आर डिस्पोज एक्सेस केमिकल्स और इसमें लिख सकते हो एंजाइम हार्मोन इटीसी कुछ भी केमिकल्स बन गए, दे आर डिस्पोज बाय लाइसोसोम एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड क्राइनोफाजी। यानी मेनली जो है अब देखो यहां पर देखो तो फंक्शंस ऑफ, अब सारे फंक्शंस को लाइसोसोम को हम लोग समराइज कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम लिख लोगे ना, चलो functions of lysosome, functions of lysosome, इसका function क्या हो जाएगा, intracellular digestion, क्या देखते थे, cell के अंदर कोई सामान है तो उसको digest। सेकेंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेलुलर डाइजेशन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, या इसको कहते हैं सेलुलर डाइजेशन सीधा सीधा, या इसको इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा इंट्रा सेलुलर प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर
दोनों डाइजेशन। इंट्रासेलुलर सेकेंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, याद है मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस क्या होगा, ये देखो टेंटपोल है, ये जो है ये टेंटपोल है और इसको कन्वर्ट होना है फ्रॉग, टेंटपोल को कन्वर्ट होना है फ्रॉग, ये टेंटपोल और नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्रॉग। यहां पर कौन इन्वॉल्व होगा, लाइसोम। और हार्मोन कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, थायराइड थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन। इसके अलावा क्या करेगा, थायराइड हार्मोन। इसके अलावा लिखो रिपेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हार्ट रिपेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यदि कहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गया है, दे कैन बी रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ फोर्थ हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन। चलो लाइसोसोम खत्म होगा, अगला ऑर्गेनेल देखो माइक्रोबॉडीज, माइक्रो बॉडीज, ये छोटा छोटा सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स है, उसमें देखिए बहुत सारा एंजाइम्स था, यहां पर क्या है कि स्पेशल एंजाइम इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स, सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा विथ सम स्पेशल एंजाइम टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। छोटा छोटा है, मान लिया
वन एंजाइम है, इसके अंदर कोई एंजाइम है ई टू है, इसके अंदर कोई एंजाइम है ई टू है, ये छोटा छोटा वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर है, दे आर कॉल्ड माइक्रो बॉडीज। स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, मेम्ब्रेन बॉन्ड पे यहां पर बॉन्ड लिख देना, बॉन्ड वेसिकल्स विथ स्पेशल एंजाइम सामने, विथ स्पेशल एंजाइम टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। वहां पर देखा जब इसमें बहुत सारा एंजाइम होगा और अलग अलग फंक्शन करेगा, दे आर कॉल्ड माइक्रो बॉडीज। या इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड एंजाइम फील्ड स्ट्रक्चर, एंजाइम फील्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल, दे आर कॉल्ड माइक्रोबॉडीज आर कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देर आर मेनली थ्री टाइप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे आर ऑफ थ्री टाइप, ये तीन देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन माइक्रोबॉडीज तीन तरह का है, पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम, ठीक है, उसके बाद है ग्लायऑक्सिसोम, ग्लायऑक्सिसोम, ग्लाय ऑक्सी हमेशा भाई लिखा रहता है, ग्लाय ऑक्सी सॉन्ग और स्फेरियो सॉन्ग, स्फेरियो सॉन्ग, स्फेरो रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व है, दूसरा पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड होता है H2O2, पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म इन एनिमल। पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म का क्या होगा, जरूरत पड़ने पर ये H2O2 को छोड़ देगा H2O+2 में और जरूरत पड़ने पर इसको बना लेगा। दोनों के लिए दो एंजाइम है, ठीक है,
लाइन रखते हैं ऊपर वाला कैटेलेज, इसको बड़ा सा लिखते हैं। ये तीनों कर लिया होता है, ठीक है। प्रतिस्पंद में देखो H2O2 है, H2O+O इससे बनाया H2O2 पेरोक्साइड बनाया, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेज। ये एंजाइम क्या होगा इसके पास? ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। फिर ये रिवर्स, रिवर्स क्या हुआ? इसको इसमें ब्रेक करेंगे, अब इसको कहते हैं हम लोग कैटेलेज। और बहुत जान करके तुम लोग आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऑक्सीडेज जो है ये स्मॉलेस्ट एंजाइम प्रेजेंट है, ये स्मॉलेस्ट एंजाइम, स्मॉलेस्ट एंजाइम। एंड कैटेलेज इट इज लार्जेस्ट कैटेलेज, इट इज लार्जेस्ट। और ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सब किसके अंदर हो रहा है? ऑल ये किसके अंदर हो रहा है? पैराफ्रेज और कहा एनिमल। तो इसका मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट प्रोटिस्टम किसमें प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट बोथ प्लांट प्लस एनिमल, प्रेजेंट बोथ प्लांट प्लस एनिमल। चलो बाकी ये दोनों जो है ये प्लांट बोथ, बाकी ये जो दोनों है दिस बोथ प्रेजेंट इन प्लांट। इसको मिटाए कर देना। चलो अब इस दोनों को देखो, अब ये देखो एक है कि पहले प्लांट का जरूरत क्या है, हमेशा इंस्पायरेशन में देखोगे पहले सिंथेसिस ऑफ फैट, सिंथेसिस ऑफ फैट फ्रॉम अदर सोर्सेस, दिस इज कॉल्ड, ये फंक्शन है ग्लाय, ये फंक्शन है स्पोरियोफॉर्म, इज बॉर्न इन सिंथेसिस ऑफ फैट, सिंथेसिस प्लस स्टोरेज ऑफ फैट, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है? इसका काम है ये जो फैट स्टोर्ड फैट, इसका काम है स्टोर्ड फैट को कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लायोसिसम कन्वर्शन ऑफ फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों
कहां पर जरूरत है? जैसे बहुत सारा सीड जैसे हो गए ना, जैसे सरसों का सीड, सरसों का या वाइल्ड सीड, जैसे एग्जाम्पल क्या होता है वाइल्ड सीड्स, इसमें किसमें है? जैसे मस्टर्ड है। पहले क्या होगा, जब सीड बना होगा इसमें फैट लाया होगा, फैट में जमा किया होगा, अब बाद में जब जर्मिनेट करने लगेगा, जर्मिनेशन के टाइम ये क्या हो जाएगा, फैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। पहले यहां पर फैट जो बनाया होगा, फैट बना के स्टोर किया होगा, ये काम पहला काम क्या होगा, स्टेरिलाइजेशन, स्फेरोसोम, और बाद में स्टोर फैट का ये कन्वर्सन कौन क्या होगा, ग्लाइकोसोम। समझ आया? ऑल दीज आर माइक्रो बॉडीज। इसके बाद देखो राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन, ये दो ही पहलू पढ़ना। वन इज राइबोसोम एंड अनदर इज सेंट्रोसोम। वन इज राइबोसोम एंड अनदर वन इज सेंट्रोसोम। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम में क्या है, इट इज मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, या तो एक्सेप्ट आरबीसी, एक्सेप्ट आरबीसी मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन आरबी को हमें सब मैमल्स, मैमल्स आरबीसी, एक्सेप्ट मैमल आरबीसी, इट इज देयर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल।
इधर प्रूव करेगा और यू कैरियोट प्रो कैरियोट रहे या यू कैरियोट रहे सारे सेल करते जाएंगे। इसके साथ राइबोसोम के साथ जुड़ा हुआ क्या है, इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑफ सेल ऑर्गेनेल, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज राइबोसोम और दूसरा दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, फॉर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। दो पॉइंट, तीसरा ये मेम्ब्रेनलेस तो है यानी एक ये मेम्ब्रेनलेस है, दूसरा इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल है, तीसरा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है एंड चौथा इसको डिस्कवरर कौन था, डिस्कवरर वाज पेलेटी साइंटिस्ट डिस्कवर्ड बाय पेलेटी, ये साइंटिस्ट डिस्कवर्ड बाय पेलेटी, मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, इसको मिटा लें टाइप्स ऑफ राइबोसोम, ये लार्जर राइबोसोम और लार्जर राइबोसोम और स्मॉलर राइबोसोम, लार्जर राइबोसोम दैट इज कॉल्ड एटीएस टाइप, स्मॉलर इट इज अ 70S टाइप। ये क्या होगा, ठीक है 70S टाइप, here S equivalent to sedimentation coefficient S, yes को कहते हैं saved verb राइबोसोम आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स दैट इज
लार्जर और इसके बाद होगा स्मॉल, ये स्मॉल स्मॉलर और ये होगा लार्जर। टू मेटाफोर टू सब यूनिट्स एंड लार्जर एंड स्मॉलर आर कनेक्टेड थ्रू Mg++ बोथ द यूनिट्स ऑफ राइबोसोम आर कनेक्टेड बाय Mg++ ion. अब इसे यूनिट देखो 70s है, ये किससे मिलके बना हुआ है 50s प्लस 30s और 50s खुद किससे मिलके बना हुआ है 23s 5s, ये 23s एंड 5s 50s इससे बना हुआ, 30s इट इज मेड अप ऑफ 16s। अब यहां पर देखो 80s ये किससे किससे मिलके बना है 60s प्लस 40s और 68 किससे बना हुआ है 28s प्लस 5.28s प्लस 5.8s 5.8s प्लस 5s और ये बना हुआ है 18s 14s मेटाफोर 18s। ठीक है, ये प्लस 5s। देखो यहां पर एक बहुत बार पूछता है पॉलीसोम्स कहां रख दिया बेटा, नहीं पता है। यहां पर बहुत बार पूछता है पॉलीसोम्स, पॉलीसोम्स क्या होता है, ये मैसेंजर आरएनए, आरएनए तीन तरह का होता है, छोड़ो ये होता है आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, इसको कहते हैं आर फॉर राइबोसोमल आरएनए, एम फॉर मैसेंजर आरएनए और टी फॉर ट्रांसफर, ये
ये पर है एमआरएनए, ये कैसा आरएनए है, ये एमआरएनए है, और एमआरएनए पर बहुत सारा राइबोसोम अटैच है. व्हेन मेनी राइबोसोम आर अटैच्ड, मेनी राइबोसोम आर अटैच्ड ऑन ए सिंगल mRNA. The group of such ribosome is called polysomes. अब देखो सेंट्रियोल लास्ट में, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, यहां पर देखो ये है सेंट्रियोल, और दो सेंट्रियोल होता है, दो सेंट्रियोल है, इस दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, और इसके अंदर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉल्ड सेंट्रोसोम. तो ये हो गया चारों तरफ जो इसको है, इसको बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर, इसको बोलते हैं सेंट्रो स्फीयर, और इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रियो, और इसके साथ निकलता है एस्ट्रल रे, चारों तरफ जो निकलता है ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं एस्ट्रल रे, एंड दिस होल इज कॉल्ड सेंट्रोसोम, दिस होल यूनिट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम. अब सेंट्रियोल जो है यहां पर देखो, सेंट्रियोल ये क्या करता है, इसका नंबर कितना होगा, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, इससे बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, सेंट्रियोल खुद बना हुआ है, मेटाफॉर माइक्रो ट्यूब्यूल्स
माइक्रोट्यूब्यूल्स खुद बना हुआ किसको ट्यूबुलिन प्रोटीन। It is centriole, इसमें जो अरेंजमेंट होता है ये 9+0 है, 9+0 अरेंजमेंट, ये याद रखना है, इसको बहुत ज्यादा समझने का। और सीलिया और फ्लैजला जो होता है, सीलिया एंड फ्लैजला ये क्वेश्चन हो, सीलियर फ्लैजला इसमें होता है 9+2 अरेंजमेंट, ये हम बाद में बताएंगे इसका माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है। और फंक्शन इसका जो देखोगे इसका फंक्शन जो होगा फॉर्मेशन ऑफ इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, ठीक है। और इन्वॉल्विंग फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा इन सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, दैट्स ऑल। चलो अब कुछ बच जाएगा तो बाद में हम लोग जब होगा तो देखेंगे साथ साथ। चलो धन्यवाद।